बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है राजधानी जयपुर से। बारिश ने लुटाई पर्यटन स्थलों पर रौनक, खुशनुमा हुआ मौसम और मौसम के बीच पर्यटक पहुंच रहे हैं हेरिटेज जगहों पर। पर्यटकों की भीड़ भी देखने को मिल रही है। पर्यटकों की आवाजाही से टूरिज्म में बढ़ावा हुआ और हर जगह ये पर्यटकों की चहल पहल देखी जा रही है। तो राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, खुशनुमा हुआ मौसम और इसी को लेके पर्यटकों की चहल पहल देखी जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बारिश ने लटाई पर्यटन स्थलों पर रौनक और खुशनुमा हुआ मौसम और इस बीच पर्यटक भी पहुंच रहे हैं घूमने, आनंद उठा रहे हैं इस मौसम का। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सतवीर सिंह। सतवीर, किस तरह का माहौल देखिए, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है और आज तो मौसम भी काफी अच्छा है, पर्यटन घूम रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था और जिस तरह से जो चक्रवात है उसका असर भी राजधानी जयपुर में देखने को मिला। कल तेज बारिश का जो दौर है वो राजधानी जयपुर में शुरू हुआ और कई इलाकों के अंदर बारिश के कारण जो पानी भराव की जो समस्या जो बार बार में होती है वो एक बार फिर देखने को मिली। लेकिन इसी बीच में जिस तरीके से लोग उमस और गर्मी से परेशान थे, उसके बाद में तेज बारिश के बाद में जो लोगों की परेशानी थोड़ी कम यहाँ पर हुई है, गर्मी और उमस से उन्हें जो राहत है वो यहाँ पर मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इसके विपरीत अगर कई निचली कॉलोनियों की बात करें तो वहाँ पर भी थोड़ा जलभराव की स्थिति देखने को मिली है। फिलहाल कई नालों के अंदर जो पानी आने के कारण जो वहाँ पर उफान है वो भी देखने को मिला है। फिलहाल बड़ी संख्या में अगर आज सुबह की बात करें तो जो तापमान है उसमें भी जो गिरावट है वो यहाँ पर दर्ज की गई है। अगर जयपुर के तापमान की माने तो करीबन 30 से 31 जो सेल्सियस है जो टेम्परेचर है वो अभी राजधानी जयपुर का है। तो ऐसे में सुबह से ही बादलों की जो आवाजाही का जो दौर है वो लगातार जारी है। जो पर्यटन स्थल है जिस तरीके से हवा महल, नाहरगढ़, आमेर, यहाँ पर भी जो पर्यटकों की जो संख्या है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। लोग इस मौसम का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर मौसम विभाग की माने तो आज भी करीबन 3 से 4 जिलों के अंदर जो येलो अलर्ट है वो यहाँ पर जारी किया गया है। अलवर, भरतपुर और धौलपुर के अंदर भी येलो अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। इसका मतलब यह है कि आज वहाँ पर भी तेज़ हवाओं के साथ में जो मेघगर्जना और बारिश की जो संभावना है वो मौसम विभाग ने जताई है। ऐसे में माना जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से मौसम विभाग जो अलर्ट जारी कर रहा था उसके बाद में अच्छी बारिश राजधानी जयपुर में भी देखने को मिली है। जी सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।